दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों होती है लैंडस्लाइड? जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कितने खतरनाक तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है। दोस्तों जब बारिश का मौसम आता है तो कई लोगों के लिए खुशियों की बूंदें लेकर आता है तो कुछ के लिए दुखों का तूफान बन जाता है। जहां एक तरफ लोग बारिश के होने से खुश हो जाते हैं तो वहीं इसी बारिश की वजह से जिन जगहों पर लैंडस्लाइड होती है वहां लोगों को तबाही का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लैंडस्लाइड की वजह से इतने एक्सीडेंट हो गए, इतने लोग घायल हो गए, इतनों की मौत हो गई। लेकिन क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये लैंडस्लाइड होती क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है? अगर नहीं तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों साधारण भाषा में कहा जाए तो लैंडस्लाइड का मतलब है किसी ढलान से जमीन खिसक कर नीचे वाली जगह पर आ जाए, और ये चीज अक्सर बारिश के मौसम में देखने को मिलती है, ज्यादातर उन जगहों पर जहां ढलान वाली जमीन मौजूद हो। पहाड़ी इलाकों में पानी के भारी मात्रा में चलने के कारण ढलान नीचे की तरफ खिसक जाती है। अब अगर देखा जाए तो ये उन पहाड़ियों में नहीं होता जहां के पहाड़ मजबूत होते हैं, बल्कि ये अक्सर वहां देखने को मिलता है जहां का जियोग्राफिकल एरिया उतना ज्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि इस तरह के इलाकों में जमीन के अंदर मौजूद मिट्टी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती और वो ज्यादा समय तक ढलान वाले ऊंचे इलाकों को थाम कर नहीं रख पाती। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य और हिमालय का पूरा इलाका ऐसा ही एरिया में आता है जहां लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इलाके आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्र है और यहां पर बहुत अधिक बारिश भी होती है। उसके अलावा ये क्षेत्र ज्यादातर भूकंप से प्रभावित भी है, इसीलिए यहाँ के इकोसिस्टम में मौजूद मिट्टी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती ये बारिश के बहाव को रोक सके। इसके अलावा अगर हम हिमालय की बात करें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सुरंगों के साथ साथ सड़कों के निर्माण के लिए तेज विस्फोट और ड्रिलिंग वगैरह से पैदा होने वाले वाइब्रेशन इन पहाड़ों की ऊपरी सतह और पत्थरों को हिला देती है, जिसकी वजह से भारत के कई सारे पर्वतीय तथा पठारी इलाके जो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं अब धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भूस्खलन के नजरिए से काफी ज्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जरा सी तेज बारिश या फिर भूकंप काफी भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, जब पहाड़ों पर ज्यादा शहर बनेंगे तो उसकी मिट्टी की फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो जाएगी, इस स्थिति में तेज बारिश से भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। पहले जितनी बारिश पूरे सीजन में होती थी उतनी अब कुछ ही दिनों में हो जाती है, जिसके कारण पहाड़ों के गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्लेशियर के पिघलने से जो बर्फ, मिट्टी, पत्थर और कीचड़ आता है वो पहाड़ों और घाटियों की मिट्टी के ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके दबाव से पहाड़ों की मिट्टी कमजोर हो जाती है, फिर धीरे धीरे यही खिसक कर लैंडस्लाइड का रूप ले लेती है। दोस्तों भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत बड़ी मात्रा में चट्टान के टुकड़ों के गिरने तक कोई भी परिस्थिति आकर आसपास के पूरे इलाके को उजाड़ सकती है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड आती है तो इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। अब दोस्तों अगर बरसात वाले फैक्टर पर गौर किया जाए तो जब इस तरह के पहाड़ी इलाकों में बहुत कम समय में अधिक बारिश होती है तो ये बारिश का पानी तेजी से नीचे आने लगता है। अब इतनी तेजी के साथ पानी नीचे की तरफ आता है तो पानी का तेज बहाव कमजोर हो चुकी मिट्टी को अपने साथ बहाते हुए ले चला जाता है, जिसके बाद तो आप जानते ही हैं, जब मिट्टी नीचे खिसकती जा रही है तो उस पर मौजूद चट्टान वगैरह भला कैसे टिके रह सकती है। इसी वजह से लैंडस्लाइड विकराल रूप ले लेती है। कई बार ये लैंडस्लाइड कम मात्रा में होता है तो कई बार ये इतना भयंकर होता है कि पूरा का पूरा पहाड़ ही खिसक कर नीचे आ जाता है। दोस्तों लैंडस्लाइड, भूकंप और बाढ़ ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन पर काबू पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंसान कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो इनके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। अब लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही है तो उसके पीछे के कुछ वाजिब कारण भी है, क्योंकि केदारनाथ में आई तबाही के बाद लोग ये समझ गए थे कि उसके पीछे प्रकृति से ज्यादा हम इंसान जिम्मेदार हैं।
लगातार अंधे बनकर विकास के नाम पर बिना किसी ठोस वैज्ञानिक प्लानिंग के नदियों पर बांध बनाना, पहाड़ों के ऊपर से पेड़ों और वनस्पतियों को कटवाते जाना, ऊंचे ऊंचे घर बनाना, बायोडायवर्सिटी का विनाश होते जाना, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ हम इंसान ही तो जिम्मेदार है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साल 2013 में उत्तराखंड हादसे के बाद अभियान शुरू किया था, जिसके तहत देश के उन राज्यों के हिस्सों के नक्शे बनाए गए हैं जहां भूस्खलन और पहाड़ों के खिसकने की आशंका रहती है। इस अभियान के नक्शे में सबसे बड़ा इलाका हिमाचल प्रदेश का है, क्योंकि यहां का 42,100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका किसी भी समय इस तरह की प्राकृतिक आपदा का शिकार हो सकता है। साथ ही साथ लद्दाख का 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तराखंड का 39,000 किलोमीटर का इलाका भी इसी क्षेत्र में शामिल है। ऊपर से जम्मू और कश्मीर का 28,700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी खतरे के निशान में आता है। इस सूची में कई और राज्य भी है, लेकिन इन सभी राज्यों का इलाका सबसे ज्यादा खतरे में है। लेकिन दोस्तों, अगर हम चाहें तो इसे रोक सकते हैं। जहां पहाड़ियों पर सबसे सस्ता और टिकाऊ उपाय है घास होना, जंगलों को बढ़ाना। पहाड़ियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। पहली तो ये कि इसका स्लोप कितना ऊंचा है, मटेरियल कैसा है और कितने समय तक रोकना है। इन सब के बाद ये तय होता है किस तकनीक का इस्तेमाल करके इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को मजबूती दी जाती है। अब अगर समझा जाए तो इसमें स्लोप को शॉर्ट क्रिएट करना, ग्राउटिंग करके एंकर लगा देना जैसे उपाय आजमाए जा सकते हैं, जिसमें पानी शॉर्ट क्रिएट के ऊपर से ही बह जाता है और नीचे का मटेरियल अपनी जगह रुक जाता है। सड़क के किनारे के स्लोप को स्टेबल बनाने के लिए रिटेनिंग वॉल बना देते हैं और उसमें होल छोड़ दिया जाता है, जिसके पीछे जमा होने वाला पानी निकल जाता है और दीवार पर दबाव नहीं बढ़ता और दीवार भी सुरक्षित बची रहती है, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो दीवार बह भी सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। लेकिन अगर पहाड़ों पर ज्यादा जोर न दें तो लैंडस्लाइड की नौबत ही नहीं आएगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।